please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के वीडियो पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरीके से प्रिंटेबल पैम्पलेट या फिर लीफलेट डिजाइन क्रिएट करना सीखेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए अंत तक। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आराम से सिखाने का ट्राई करूंगा, तो वीडियो पर बने रहिए। तो सबसे पहले तो आपको जो भी लीफलेट या फिर पैम्पलेट डिजाइन करते हो तो आपको वहाँ पर पेज का साइज देना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर लेआउट के अंदर क्लिक करूंगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों साइज के अंदर क्लिक करूंगा, और साइज के अंदर क्लिक करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर A5 का साइज देता हूँ। दोस्तों A4 से ठीक आधा साइज देना चाहूँगा, तो इसलिए यहाँ पर A5 साइज का साइज सेलेक्ट करूँगा। तो सिंपली इसके अंदर क्लिक करते हो दोस्तों, देखिए A5 का साइज आ चुका है। दोस्तों, बेसिकली लीफलेट या फिर पैम्पलेट डिजाइन, एक पेज का पैम्पलेट डिजाइन क्रिएट करो तो वहाँ पर आपको A5 साइज ही देकर बना सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली मार्जिन के ऊपर में क्लिक करना है, उसके बाद आपको जाना है नैरो करना है। दोस्तों, मार्जिन थोड़ा सा कम करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर डिजाइन करना स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इंसर्ट के ऊपर में क्लिक करना है, शेप्स के ऊपर में क्लिक करना है, आपको यहाँ पर रेक्टेंगल शेप क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको एग्जैक्टली मैंने जैसा ड्रॉ किया है उसी तरीके से आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों इसको आपको एग्जैक्टली सेंट्रल अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट करना है। तो यहाँ से देखिए फॉर्मेट के ऊपर में आता है दोस्तों, ये अलाइनमेंट सेंटर और मिडल। तो उसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा आउटलाइन का वेट इंक्रीज करना है ताकि दिखने में एक प्यारा सा लुक निकल कर आता है। इसको आउटलाइन का कलर ब्लैक देना है। दोस्तों, देखिए कितना प्यारा तरीके से आउटलाइन यहाँ पर क्रिएट होकर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको इस वाले शेप को ग्रेडियंट कलर देना है, यानी कि शेप फिल कलर देना है। उसके लिए आपको राइट क्लिक करते हुए फॉर्मेट शेप्स के ऊपर में क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट शेप्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपल आपको फिल के ऊपर में क्लिक करना है, आपको यहाँ पर ग्रेडियंट फिल के अंदर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको ग्रेडियंट कलर दे सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक कलर देना चाहूँगा नीचे की तरफ, थोड़ा सा येलो टाइप्स का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का कलर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे एक थोड़ा सा लाइट ग्रीन वाले कलर सेलेक्ट करना है, कुछ इस तरीके का। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर वाइट ही देना चाहूँगा इसके अंदर, और यहाँ पर ये मुझे ग्रीन कलर ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा तो इसको मैं रिमूव करूँगा, और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मैनेज करूँगा कुछ इस तरीके से। दोस्तों, देखिए मैंने कुछ इस तरीके का एक यहाँ पर कलर सेलेक्ट किया, तो अभी मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा लाइट ग्रीन, तो यहाँ पर क्लिक करते इसको मोर ग्रीन कलर के ऊपर मैं जाकर आपको इस तरीके का ग्रीन के अंदर आपको इस तरीके का एक ग्रीन सेलेक्ट करना, ताकि और ज़्यादा लाइट यानी कि ब्राइट कलर देखने को मिलेगा। दोस्तों, ऊपर की तरफ आपको वाइट ही कलर सेलेक्ट करना है और इसको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा मैनेज वगैरह इजीली कर सकते हो, इसको आप जहाँ पर मैनेज वगैरह करना है तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैं इसको येलो टोन भी, डार्क येलो यानी कि लाइट येलो कलर, तो इसको भी मैं यहाँ पर येलोइश टोन लाइट येलो कुछ इस तरीके का येलो देना चाहूँगा, ताकि दिखने में और भी ज़्यादा प्यारा सा एक लुक निकल कर आ जाए। तो दोस्तों देखिए कितना तो मैंने यहाँ पर कलर क्रिएट कर चुका। अब आपको जो भी डिजाइन करना है इसके अंदर आप इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इंसर्ट के ऊपर में क्लिक करना है। इंसर्ट के ऊपर में क्लिक करते हो आपको दोस्तों शेप्स के ऊपर में क्लिक करते हो, यहाँ पर एक शेप सेलेक्ट करना है, रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पर रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से यहाँ पर इजी तरीकों से यहाँ पर ड्रॉ करने का ट्राई करूँगा, और यहाँ पर मुझे रेड कलर, डार्क रेड, और यहाँ पर आउटलाइन, नो आउटलाइन करना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक शेप क्रिएट किया है। तो इजी तरीके से आप भी इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, देखिए इतना प्यारा सा एक यहाँ पर इफेक्ट यानी कि आ चुका है। आपको थोड़ा सा नीचे करते हुए आपको इस तरीके से मैनेज वगैरह करते हो, आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, बाद में भी आप इसी को पिक कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाले बात नहीं है। तो सिंपल है, जिसको इसको मैं कंट्रोल होल्ड करते हुए थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आऊँगा कुछ, यानी कि मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, बाद में भी इसको कलर वगैरह चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा इधर की तरफ लूँगा, और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो स्कूल का नेम, आपके पास जो भी स्कूल के नेम है आप फिलहाल के लिए टाइप कर लीजिए। जैसे मैं जस्ट एग्जांपल के लिए कुछ एक नाम टाइप कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे इसको सेलेक्ट करते हुए ये वाला टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर इसको मैं सबसे पहले तो होम के अंदर क्लिक करते हुए नो स्पेसिंग, मैंने यहाँ पर वर्ड आर्ट सेलेक्ट किया दोस्तों ये, और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा ग्लोरी प्राइमरी स्कूल। तो दोस्तों मैंने कुछ इस तरीके से एक स्कूल के नेम टाइप किया। अब मैं यहाँ पर बोल्ड सा एक फॉन्ट
सेलेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए कितना प्यारा सब वोल्ड फॉन्ट, अगर आपके पास है तो सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट किया है ताकि दिखने में सुंदर सा एक इफेक्टिव लुक निकल कर आए, जिसको मैं 45 के आसपास साइज देना चाहूँगा और इसको सेंटर अलाइनमेंट करूँगा और इसको भी यहाँ से भी अलाइनमेंट सेंटर करूँगा ताकि ये एग्जैक्टली इसके अंदर सेट हो जाए। दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से मैंने इसको सेंटर के तरफ किया है। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से मैनेज करना है और आपको जो कलर इसके अंदर ठीक लगे तो यहाँ से टेक्स्ट फिल के ऊपर में जाकर आपको व्हाइट कलर फिल कर लीजिए। देखिए कितना प्यारा लुक यहाँ पर आ चुका है। अब आपको इसको छोटा करना है तो भी आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पर कंपनी यानी कि स्कूल के लोगो वगैरह है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इंसर्ट स्पेक्सेस के ऊपर में क्लिक करते हो, आपको जाना है दोस्तों डी ड्राइव के ऊपर। मेरे पास डी ड्राइव के ऊपर में, आपके पास जहाँ पर भी हो सकता है तो सिंपली उस हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर लीजिए। तो ये वाला मुझे लोगो यहाँ पर फिल करना है तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर रहा हूँ और आपको यहाँ पर कुछ और एक शेप देकर आपको यहाँ पर लोगो सेट करना है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली लोगो दिख नहीं रहा है एक्चुअली, इसलिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा लोगो के लिए एक यहाँ पर ओवल शेप यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको सेट कर रहा हूँ आउटलाइन नो, इसको वाइट कलर सेंड बैकवर्ड और इसको थोड़ा सा ऊपर, आप इस तरीके से मैनेज कर लीजिए दोस्तों। देखिए कितना प्यारा तरीके से मैंने इसके ऊपर में मैनेज किया है, आप भी इसी तरीके से मैनेज वगैरह कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए मैंने कुछ इतना तक यहाँ पर कंप्लीट काम किया है। अब मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट वगैरह टाइप करना चाहूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर टाइप करूँगा क्लास नर्सरी टू क्लास फिफ्थ। तो उसके लिए सिंपली यही वाला फॉन्ट सेट करता हूँ, कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर टाइप करूँगा क्लास फिफ्थ। तो दोस्तों देखिए मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर नर्सरी टू क्लास फिफ्थ यहाँ पर मैंने टाइप किया। अभी मैं इसको थोड़ा सा ये दो को सेलेक्ट करते हुए मैं इसको सबसे पहले तो इसके ऊपर मैं क्लिक करते हुए यहाँ पर मैं सेलेक्शन पेन के अंदर जाकर ये दो को ग्रुप कर लेता हूँ दोस्तों, पिक्चर्स और ओवल का। राइट क्लिक करते हुए ग्रुपिंग का ग्रुप कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा साइज में छोटा करूँगा और इसको ऊपर की तरफ लेकर आऊँगा ताकि दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर सा प्यारा सा लुक निकल कर आए दोस्तों। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कलर चेंज करूँगा दोस्तों। यहाँ पर मैं क्लिक करते हुए आप चाहे तो ब्लू, डार्क ब्लू या फिर आपको लाइट ब्लू, जो कलर आपको पसंद है तो यहाँ पर आप फिल कर लीजिए दोस्तों। मैंने यहाँ पर ये वाला लाइट ब्लू कलर सेलेक्ट किया है। अभी मैं यहाँ पर टाइप करूँगा मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश, तो ये वाला ही फॉन्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश टाइप किया, इसको मैं फॉन्ट और फॉन्ट सेलेक्ट करने ट्राई करूँगा। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा ये वाला फॉन्ट अच्छा लग रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा करते हुए इसको यहाँ पर प्लेसमेंट करना चाहूँगा ताकि दिखने में काफ़ी कूल सा एक प्यारा सा लुक निकल कर आ जाए। इसके ऊपर मैं व्हाइट कलर फिल करना चाहूँगा तो इसको सबसे पहले तो यहाँ पर अलाइनमेंट सेंटर करूँगा ताकि यहाँ पर एग्जैक्टली बीच के अंदर बैठ जाए। तो इसको 24, 26, 28 आसपास के फॉन्ट यहाँ पर देना चाहूँगा ताकि दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे दोस्तों। कितना प्यारा लुक यहाँ पर आ चुका है दोस्तों इतना डिजाइन करने के बाद। अब आपको सिंपली आपको यहाँ पर एडमिशन एंड प्रोसेस आपको टाइप करना है। तो उसके लिए तो सिंपली आपको जो भी शेप पसंद है आप वही शेप यूज़ करते हुए काम कर सकते हो। इस तरीके का शेप आपको पसंद है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए और इसको यहाँ पर मैं एडमिशन इन प्रोसेस इस तरीके से टाइप करना चाहूँ तो टाइप कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पर कलर देना चाहूँगा कुछ अलग सा कलर, कुछ पिंक या फिर इस तरीके का कलर देना चाहूँगा। इसको आउटलाइन नो आउटलाइन करूँगा, इसको थोड़ा सा डार्क पिंक कलर देना चाहूँगा थोड़ा ही, जस्ट कुछ यूनिक सा लुक निकालने के लिए जस्ट आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने प्लेसमेंट किया। अभी मैं ये वाला ही सेलेक्ट करना चाहूँगा, इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर प्लेसमेंट करूँगा और यहाँ पर टाइप करूँगा एडमिशन इन प्रोसेस। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा तरीके से यहाँ पर मैंने टाइप किया, इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा और इसको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करूँगा ताकि ये अच्छे से यहाँ पर सेट हो जाए। तो दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर सेट हो चुका है, इसको मैं 28 के आसपास करूँगा ताकि हाईलाइट अच्छे से हो जाए। तो इसको यहाँ पर देखिए कितना प्यारा लुक यहाँ पर निकल कर आ चुका है, इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो दोस्तों। कितना प्यारा तरीके से इतना तक कंप्लीट काम हो चुका है पैम्पलेट के लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इमेजेस वगैरह आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों इंसर्ट के ऊपर में क्लिक करना है, आप पिक्चर्स के ऊपर में क्लिक करना है और उसके बाद मेरे पास तो पिक्चर्स मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ दोस्तों, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक इमेज ये वाला इंसर्ट करना चाहूँगा। जस्ट स्टूडेंट का एक इमेज मैंने डाउनलोड किया है गूगल से, तो ये मुझे यहाँ पर प्लेसमेंट करना है ताकि दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर सा एक लुक निकल कर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा
लोग यहाँ पर निकल कर आ चुका है। इसको मैं इधर के साइड करूँगा और यहाँ पर मुझे इसको थोड़ा सा बैक और इसको थोड़ा सा क्रॉप करना है। यहाँ पर क्रॉप के अंदर क्लिक करते हुए मैं इसको थोड़ा सा बैक क्रॉप करना चाहूँगा, थोड़ा ही, जस्ट कुछ इतना तक। और यहाँ पर इसको मैं प्लेसमेंट करना चाहूँगा ताकि दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर सा एक लुक लगे, ताकि यहाँ पर और भी एसेसरीज यहाँ पर मैं सेट कर सकूँ जस्ट। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दो शेप्स नीचे की तरफ क्रिएट करना है, यानी कि एक एड्रेस के लिए, एक कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। जस्ट मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से इसको मैं डिलीट करूँगा। यहाँ पर ऑलरेडी सेव है दोस्तों, इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए इस तरीके से ड्रैग करते हुए आपको यहाँ पर प्लेसमेंट कर सकते हो। दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीकों से यहाँ पर मैंने इसको सेट किया। इसको थोड़ा सा साइज में छोटा करूँगा और यहाँ पर सेट कर सकूँ। इसको मैं थोड़ा सा कलर में चेंजेस करना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैं येलो या फिर इस तरीके का येलो, या फिर इस तरीके का ब्लू, आप चाहे तो कलर पर्पल, ये वाला भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसी को मैं यहाँ पर कॉपी करते हुए यहाँ पर सेट करूँगा। इसको थोड़ा सा कलर देना चाहूँगा, ये वाला कलर देना चाहूँगा ताकि दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। और इसको थोड़ा सा इफेक्ट यूज़ करना चाहूँगा, प्रीसेट वगैरह का इफेक्ट, कुछ यूनिक सा एक जस्ट दिखाने के लिए शैडोज़ यूज़ करना चाहूँगा। दोस्तों देखिए ये वाला शैडोज़ मुझे अच्छा लग रहा है दोस्तों, ये वाला शैडो। और इसको थोड़ा सा शैडो मेंटेनेंस करना चाहूँगा, तो यहाँ पर शैडोज़ के ऊपर मैं जाकर थोड़ा सा शैडोज़ का ब्लरिज कम करूँगा ताकि दिखने में एट्रैक्टिव एक लुक, थोड़ा सा ब्लर ऐड करूँगा। और यहाँ पर इसको ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना चाहूँगा दोस्तों, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्टिव लुक निकल कर आ जाए। दोस्तों देखिए कितना प्यारा सा एक लुक यहाँ पर निकल कर आ चुका है, इसको मैं क्लोज करूँगा। तो दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से इतना तो काम हो चुका है। अब मैं यहाँ पर कुछ एक शेप ऐड करना चाहूँगा, यानी कि क्रिएट करना चाहूँगा कुछ फैकल्टीज वगैरह टाइप करने के लिए। जस्ट मैं यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हुए, शेप्स के ऊपर मैं क्लिक करते हुए, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर मैं क्लिक करते हुए यहाँ पर इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करूँगा। दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पर जो भी कलर आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर सकते हो, आउटलाइन आपको नो करना है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कलर फिल करते हुए, इस तरीके का एक कलर फिल किया है दोस्तों मैंने, जस्ट आपको यहाँ पर कुछ फैकल्टीज वगैरह टाइप करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नो स्पेसिंग करना है और यहाँ पर फटाफट से टाइप करूँगा दोस्तों। फंट यूज करूंगा ये वाला कैम्बेरिया फंट, ज़्यादा अच्छा लगता है। और फटाफट से टाइप करूंगा फैकल्टीज, तो दोस्तों देखिए, और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं बुलेट्स यूज़ करना चाहूँगा। दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से मैं बुलेट्स यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी जो भी आपके पास बुलेट्स है यूज़ कर लीजिए। जस्ट मैंने ये वाला लिया है और इसको मैं थोड़ा सा राइट की तरफ रहूँगा कुछ इस तरीके से इतना। और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा और इसको थोड़ा सा इधर के साइड करूँगा ताकि और आसानी से ऐड कर सकूँ। इसको मैं इससे फॉन्ट कलर वाइट देना चाहूँगा और बाद में भी मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। और फटाफट से मैं यहाँ पर टाइप करूँगा दोस्तों पॉइंट्स, एंटर करूँगा दोस्तों। एंटर करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर इजीली और भी टाइप कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए मैंने कंप्लीट यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर कुछ यूनिक सा यूज़ करना चाहूँगा, इसको थोड़ा सा इधर के साइड बड़ा करना चाहूँगा। और बड़ा करने के बाद सब कुछ यहाँ पर इजीली सेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा ये वाला भी छोटा करूँगा ताकि यहाँ पर इजी तरीके से सेट हो जाए। इसको मैं थोड़ा सा इधर की तरफ रहूँगा। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये वाला का आपको थोड़ा सा ग्रेडियंट यूज़ करना है दोस्तों। आपको इसको फिल कलर के ऊपर में ग्रेडियंट थोड़ा ही, जस्ट आपको कुछ इस तरीके का ग्रेडियंट वगैरह फिलअप करना है, जस्ट एक इस तरीके का, या फिर कुछ यूनिक सा ग्रेडियंट आप चाहे तो इस तरीके का नीचे की तरफ से कुछ यूनिक सा एक लुक दिखे। और उसके बाद दोस्तों ये वाला फैकल्टीज का आपका थोड़ा सा बोल्ड कर दे, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करना है, मे बी लाइक 22 के आसपास। और उसके बाद दोस्तों आपको इसको कलर येलो देना है, लाइट येलो। और उसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा स्पेसिंग, यानी कि लाइन स्पेसिंग देना है। उसके बाद आपको कुछ यहाँ पर यूनिक सा एक लुक देखने को मिलेगा, तो कुछ इस तरीके से। और उसके बाद दोस्तों आप इसको थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हो, बोल्ड करने से और भी ज़्यादा प्यारा सा एक लुक निकल कर आ जाएगा। और इसको और भी ज़्यादा आप चाहे तो यहाँ पर अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हो, मे बी 2, 1.15 भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके से इसका प्लेसमेंट करना है, ये भी ठीक ठाक ही लग रहा है दोस्तों, कुछ भी दिक्कत वाले बात नहीं। बट मैं यहाँ पर कुछ लाइन स्पेसिंग डिक्रीज ही करना चाहूँगा ताकि यहाँ पर और ज़्यादा अच्छे से इसको सेट हो जाए ये वाला। और इसको मैं इधर के साइड थोड़ा सा छोटा करूँगा ताकि और भी ज़्यादा सुंदर लुक निकल कर आ जाए। दोस्तों देखिए कितना प्यारा यहाँ पर लुक यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर कुछ यूनिक सा यूज़ करना चाहूँगा, इसको मैं बोल्ट नहीं करूँगा,
ताकि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बोल्ड करने से, इसको थोड़ा सा साइज में थोड़ा करूँगा ताकि दिखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे। इसको मैं थोड़ा सा शैडोज क्रिएट करना चाहूँगा आउटसाइड के ऊपर में दोस्तों, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ताकि एग्जैक्टली यहाँ पर सेट होकर दिख जाए। इसको मैं थोड़ा सा लाइन में वाइट कलर देना चाहूँगा और भी ज़्यादा सुंदर सा एक प्यारा सा लुक निकल कर आ जाए। उसके बाद दोस्तों आपको जो जो इक्विपमेंट और है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। वेल एक्सपीरियंस टीचर मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, तो इस सी वाले फॉन्ट को सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल होल्ड करते हुए कॉपी करूँगा, यहाँ पर टाइप करूँगा वेल। तो दोस्तों देखिए मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर टाइप किया, इसको मैं यहाँ पर प्लेसमेंट करना चाहूँगा ताकि इसको ज़्यादा तरीक़ों से सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको कॉलर देना चाहूँगा, हाँ ब्लू डार्क ब्लू ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसको थोड़ा सा आउटलाइन में वाइट कलर देना चाहूँगा ताकि कुछ इस तरीके से फील होकर दिख जाए। तो यहाँ पर ये भी मुझे अच्छा ही लग रहा है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इसके ऊपर मैं एक शेप यूज़ करना चाहूँगा ताकि और भी ज़्यादा सुंदर सा एक प्यारा सा लुक निकल कर आ जाए। इसको मैं रोटेट करूँगा फुल्ली राउंड। तो दोस्तों देखिए इतना तक तो मैंने कंप्लीट काम कर चुका। अब मैं यहाँ पर कुछ यूनिक सा शेप वगैरह यूज़ करना चाहूँगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा यहाँ पर, और ये वाला मुझे अच्छा तरीके से बड़ा करना है ताकि यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट नंबर यूज़ करना चाहूँगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करना चाहूँगा, तो इसी को कंट्रोल होल्ड करके कॉपी करूँगा और यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग करूँगा और यहाँ पर टाइप करूँगा कॉन्टैक्ट ऑस। कुछ इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पर टाइप किया है। अभी मैं इसको ब्लैक कलर करूँगा या फिर ब्लू, जो भी आपको कलर पसंद है। कुछ इस तरीके से यूनिक सा लुक देने के लिए आप यहाँ पर कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। जस्ट आपको कुछ ट्राई कर लीजिए कलर आपको जो पसंद है। तो मुझे यहाँ पर ये वाला ही कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फुलफिल हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से प्लेसमेंट करूँगा तो ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन दिख रहा है। दोस्तों देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पर पैम्पलेट डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है। तो इक्विपमेंट वगैरह मैं यहाँ पर ज़्यादा यूज़ कराऊँ तो इसलिए यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर टाइप करूँगा एड्रेस आपको जो भी एड्रेस है। तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर कंप्लीट काम किया। इसको मैं व्हाइट कलर करूँगा ताकि कुछ अट्रैक्टिव तरीके से यहाँ पर फील हो जाए। नीचे की तरफ तो कंप्लीट काम हो चुका। अब मैं यहाँ पर कुछ यूनिक सा कोड वगैरह टाइप करना चाहूँगा। तो आपको जो भी यहाँ पर एसेसरीज के लिए ऐड करना है, जो भी टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, तो आप इजीली यहाँ पर ऐड वगैरह कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों इंसर्ट के ऊपर में क्लिक करते हुए शेप्स और यहाँ पर एक जो भी आपको शेप पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों ये शेप। इसके ऊपर में यहाँ पर क्लिक करते हुए यहाँ पर इस तरीके से राउंड या फिर आप चाहे तो इस तरीके का शेप, इस तरीके का फुल्ली राउंड में यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए यूज़ करना चाहूँगा। और आपको जो भी यहाँ पर टेक्स्ट है फटाफट से आप टेक्स्ट वगैरह अप्लाई कर सकते हो। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, इसको सबसे पहले तो कॉलर दूंगा दोस्तों। यहाँ पर ये वाला कॉलर मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रहा है, ये वाला कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है ब्लू कलर। और यहाँ पर आपको जो भी टेक्स्ट है आप अप्लाई कर लीजिए। जस्ट एग्जांपल के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ ये वाला टेक्स्ट अप्लाई करना चाहूँगा, सेलेक्ट करते कंट्रोल सी और यहाँ पर इंसर्ट। आपको जो भी टेक्स्ट है आप अप्लाई कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करते कंट्रोल भी पेस्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों मैं इसको शेप फिल नो फिल, शेप आउटलाइन नो आउटलाइन। उसके बाद दोस्तों टेक्स्ट कलर मैं यहाँ पर वाइट कर रहा हूँ, सेडल करते वाइट और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा, मे बी 12-14 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से सेंटर अलाइनमेंट और आपको इस तरीके से यहाँ पर प्लेसमेंट करना है। तो दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। और उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा नीचे और कुछ इस तरीके से, दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से मैंने यहाँ पर भी टेक्स्ट अप्लाई कर चुका। इसको भी आप इजी तरीके से जहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बड़ा किया है ताकि दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। दोस्तों देखिए इतना तक तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट काम कर चुका हूँ, इसको थोड़ा और बड़ा करूँगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कंप्लीट मैंने फुल्ली यहाँ पर काम कर चुका हूँ। आप भी इसी तरीक़ों से ईजिली यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर पैम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।